केसरिया वालम आओ हमारे देश। देखो मेरी तरफ, ये क्या है रुक्मी, ये तुम्हारे चेहरे पे दाग कैसा? ये आग के जलने का दाग है कुंवर साहब। आग? कब हुआ, कैसे हुआ ये? ये तो बचपन से ही आपको बताया था ना मैंने। बचपन? मतलब पहले से था, हमेशा के लिए? अरे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने आपको बताया था कुमार साहब, उस चिट्ठी में मैंने सब कुछ लिखवाया था रसाल से। आपको भिजवाई भी थी, तभी तो आप हमारे से मिलने आए थे ना मंदिर में। झूठ बोल रही हो तुम, कुछ नहीं लिखा था उस चिट्ठी में, कोई जिक्र नहीं था इस दाग के बारे में। अरे तुमने तो सिर्फ इतना लिखा था कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो, बस। रुक्मी, इस दाग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। साफ साफ लिखा था सब कुछ उस चिट्ठी में, आपकी कसम खा के कह रही हूँ। चिट्ठी? मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती थी, विश्वास करो, मैंने उस खत में सब कुछ साफ साफ लिख दिया था। ये रहे, कहां लिखा है चिट्ठी में उसके? बोलो देखो। ये तो मां का लिखा हुआ खत है, इसका मतलब मां ने चिट्ठी बदल दी। अरे बोलो ना, जवाब दो, कहाँ लिखा है चिट्ठी में दाग के बारे में, बोलो। जानबूझ के तुमने मुझसे बात छुपाई है, धोखा दिया है मुझे तुमने। क्यों छुपाया है सच, क्यों नहीं बताया मुझे? जब मैं सब में कहता फिरता था कि तुम वो चेहरा जो मेरे सपनों में आया, तो क्यों नहीं बताया तुमने? तुम्हारे चेहरे पे इतना बड़ा दाग, घर वालों से, समाज से, दुनिया से लड़ता फिर रहा हूं तुम्हारे लिए, लेकिन एक बार तुमने अपनी जबान नहीं खोली, एक बार मुझे नहीं बताया इस दाग के बारे में। कहता फिरता था कि तुम भगवान की बनाई हुई सबसे खूबसूरत रचना, सबसे खूबसूरत, और ये चेहरा तुम्हारा। तुम इतनी बदसूरत हो कि तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे घृणा आता, डर लगता है मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर। क्यों छुपाई है सच्चाई मुझसे, एक बार बता सकती थी ना? हाँ, क्यों नहीं बोला? समझा, तुमने ये सब कुछ इस हवेली में आने के लिए किया। एक अमीर घर के लड़के के साथ आलीशान जिंदगी बिताने के लिए तुमने किया ऐसा। हाँ रुक्मी, यही सच है। तुमने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, प्यार जैसे खूबसूरत लफ्ज को धोखा दिया, मेरी चाहत को धोखा दिया, मेरे भरोसे को धोखा दिया, मुझे धोखा दिया है तुमने। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा रुक्मी, क्यों?
का सबसे खुशी का दिन खुशियां तो लाया है, लेकिन मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए। आज तो मने राजा जैसा लागे। और नहीं तो क्या मदन सिंह, तू राजा से कम थोड़े ही ना है। थारी जमीन मिल गई, बेटी का ब्याह इतने बड़े घर में हो गया, अपने आंगन में बिठाकर अंग्रेजी पिला रहा है, तू राजा से कम थोड़े ही है। घड़ी खमारा जैसा घड़ी खमा खमा गणी के खबर लाए हो मंत्री साहब। रानी साहब, अरे रानी साहब, अब तो खुश हमारी एक बेटी का सासरा ठाकुरों का घर और दूसरी का भी कुछ कम ना है। ठीक कर लो रसाल के बापू, बच्चे आसपास हैं। बस अब रसाल का भी ब्याह हो जाए तो पार लग जाए। थारे को खेल आ गया, मैंने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया कि मारे को रुपये का कुछ बुरा करना है। अरे बाबली, मैंने तो जो कुछ भी किया वो थारी खुशी के लिए किया, ताकि थारी और विक्रम की जिंदगी खुशियों से भर जाए। यही तो तू चाहती थी ना? चाहती थी, पर जीजी की खुशी को बलि चढ़ाकर अपनी खुशी ना चाहिए मारे को। अरे किसने बलि चढ़ाई थारी जीजी की खुशी? वो तो इतने बड़े घर में जाकर राज करेगी अब, पर मारी बात समझना तो दूर, तो मरने ही दोषी माने हैं। और यहां बैठे बैठे तू तो अपने साथ साथ मारी जान भी जला रही है। वो वहां थारी जीजी खुशियां मना रही होगी, इस घर से जाने के बाद भी अपना मनुष्य साया जैसे यहीं छोड़ गई है। मां जीजी मनुष्य ना है? हाँ हाँ, थारी जीजी तो देवी है। हाँ है बेचारी, तो ना जाने है कि चिट्ठी आपने बदली। उसे तो यही भाग्य है कि कुंवर सा सारी सच्चाई जानते। माँ आपने ऐसा क्यों किया? जब कुंवर साहब को सब पता चल जाएगा तो क्या वो चीजें को अपना लेंगे? लो आधी रात बीत चुकी है, अब और क्या स्वीकार करना बाकी है? जे हवेली में कुछ हुआ होता तो अब तक खबर आ जाती। चल
अब सब कुछ सोचना बंद कर। अरे थारी जीजी बहुत खुश होगी वहां, जब थारा बापू उसे पग फेरे के लिए लेके आवेगा तब खुद ही देख लीजियो। बसाल अब जीजी के बिना रहने की आदत डाल ले बावली। अब थारी जीजी अपने सासरे में ही रहेगी। ताजी महाराज करे ऐसा ही हो। कहीं नहीं होगा। अरे ब्याह के बाद तो तू भी अपने सासरे में ही रहेगी, हर चोरी रहे बापू समझाए ना। बापू हमारे को मंदिर जाना है, चीची की खुशी के लिए प्रार्थना करने। अरे भगवान ने थारी प्रार्थना सुन ली है, थारी जीजी बहुत खुश है, इस वक्त मंदिर जाने की कोई जरूरत ना है। पापू मैं जा रही हूँ। ठीक है जा, पर अकेली मत जा, थारी माँ ने साथ में ले जा। अरे छोरी सोण पापू जा, उसके साथ जा। आप चलिए मैं जाती हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूं रुक्मे, और सिर्फ इतना ही जानता हूं, बाकी किसी भी सच झूठ से मेरा कोई वास्ता नहीं। आए खड़िया लाली भाई, आप ना हटे तो मैं तो मरी जाती कोर्स। और मैं तुम्हें देखे बिना क्या जी पाता? जी बढ़िया चला पिया पिया पुकार। अजी महाराज हरी जीजी ने अपने जीवन में बहुत दुख उठाए, माँ की गलती की सजा हरी जीजी को ना देना। कुंवर साहब और जीजी का साथ हमेशा बना रहे, जब तक आप मारे को ये विश्वास ना दिलाएंगे कि आप मारी विनती पूरी करेंगे मैं यहां से ना लूंगी। किसी करनी से मुख को मोड़ा, जीजी भवरे में किस विधि छोड़ा। मैं तो सुहागन रही कुंवारी पहने दुल्हन पे, केसरिया बार आओ हमारे आओ हमारे देश, केसरिया बालम आओ हमारे देश। ये नमोचित कहां लिखा उस दाग के बारे में? तुमने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, प्यार जैसे खूबसूरत लफ्ज को धोखा दिया। आपकी बात बिल्कुल सच है कुंवर साहब।
ये चिट्ठी मैंने नहीं लिखी है, पर मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया, कोई झूठ नहीं बोला। वो तुम्हारी मां ने दूसरी चिट्ठी लिखी। नाना, जे मारे मुंह से अनजाने में सच निकल गया तो अनर्थ हो जाएगा। बाप को मां को कभी माफ नहीं करेगा, और मां के बिना सारा घर बिखर जाएगा। नहीं, मारे को अपने घर की लाज बचानी ही होगी, सारा दोष अपने मत में लेना होगा। भाभी सा, भाभी सा सो रही हैं क्या? नहीं नहीं, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए, आज सुबह की आरती आप ही के हाथों से होनी है। आरती, अरे जा, जाके मिठाई के थाल ले आ, भोग भी तो लगाना है। जी मासा। अरे मुमुल, जाके जरा देख, हरी भाभी सा तैयार हो गई कि नहीं। दादी सा, भाभी सा आती होंगी, मैंने इमली को उनके कमरे के बाहर ही खड़ा रखा है ताकि जैसे ही वो तैयार हो जाए वो उन्हें ले आए। लो आ गई रुक्मी। रुको, क्या कर रही हो? अब तक तू सिर्फ रणबीर की ब्याहता है, आज थारे हाथों से श्री कृष्ण जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी, पूजा होगी, और तब जाकर तू इस परिवार की नई बिंदनी कहलाएगी, और तब हम सब थारे को आशीर्वाद देंगे। खोलो इसे। थारा काना रा। बड़ी सुंदर मूर्ति है ना, रणवीर ही से लाया था, इसीलिए हमने सोचा थारे हाथों से इस मूर्ति की स्थापना कर पाएंगे। मूर्तियां बनी इतनी प्यारी हैं कि लागे है जैसे सच में भगवान बसते हैं इनमें। मूर्तियां बहुत बढ़िया बनाऊं आप। अरे रणबीर कट है, उसे भी तो पूजा में शामिल होना चाहिए। मैं रणबीर को बुला कर लाती, आप लोग पूजा की तैयारी कीजिए। अब तो समझाएं से। ठीक है सर। ओम कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नास्ता व्याख्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भगवान के चरणों में फूल अर्पण कीजिए। भगवान, जैसे आपकी और आपकी रुक्मिणी की जोड़ी अमर है, वैसे ही हमारे रणवीर और उसकी रुक्मिणी की जोड़ी को हमेशा साथ रखना।